ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब हम एकादशी करेंगे तो दान पुण्य करेंगे, बिल्कुल करें, लेकिन एकादशी के दान का सर्वाधिक महत्व और एकादशी के व्रत की पूर्णता द्वादशी के दान से ही संपन्न होती है। सिर्फ साबूदाना खाने से नहीं होता, द्वादशी वाले दिन आपको उस पारण का दान भी करना होता है। कोई भी व्रत, कोई भी पूजा बिना दान दक्षिणा के संपन्न नहीं होती, क्योंकि जो हमसे मनसा वाचा कर्मणा के दोष हैं, उन दोषों से मुक्ति दान और दक्षिणा दिलाती है। ध्यान रखिए, दोष तो होता है, त्रुटि तो होती है, जाने अनजाने में होता ही है, मनसा वाचा कर्मणा के अनेक पाप है, बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, हम क्या करें। हो सकता है क्रोध आ जाए, हो सकता है किसी को डांट दें, 50 चीजें। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं और अगर द्वादशी को पारण नहीं कर रहे हैं तो आपका व्रत व्रत नहीं है, उस व्रत की कोई मान्यता नहीं है, उस व्रत का धार्मिक आध्यात्मिक कोई लाभ नहीं है। हां, भूखे रहकर आपने शरीर को अच्छा कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन बिना पारण के किसी एकादशी व्रत का जीरो भी लाभ आपको धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं मिलता। लगभग प्रातः 8 बजे तक पारण कर लेना चाहिए, लगभग। अगर आप कई सारी चीजें खाकर व्रत रखे हैं, वैसे तो अन्न चावल आदि तो खाना ही नहीं है, तो आप जल से पारण करें, और जब आप निर्जला रखते हैं तब आपको अन्न से पारण करना चाहिए। जब कोई व्रत आप अन्न से रखते हैं तो उसका फल से या जल से भी पारण कर सकते हैं। वैसे एकादशी व्रत में सबसे श्रेष्ठ व्रत का जो दर्शन है वो निर्जला है। वैसे तो एक निर्जला आप करते ही करते हैं, पर जो व्यक्ति 26 की 26 एकादशी निर्जला रखता है, सुनिए मैं वैज्ञानिक बात आपसे कह रहा हूं, जो व्यक्ति 26 की 26 एकादशी निर्जला रखता है, जीवन में कभी भी उसको लाइफ स्टाइल डिसीज, मतलब जैसे कैंसर या आदि इस तरह की बीमारी जीवन में नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये जापान का वो वैज्ञानिक कह रहा है जिसको नोबेल मिला, और उसने यहां पर कोट किया है कि भारत में जो निर्जला एकादशी का दर्शन है वो इतना दिव्य है कि अगर वो निरंतर कोई रखता है तो कभी उसको इस तरह की बीमारी नहीं हो सकती। और कलम ने बात की कि एकादशी का मतलब क्या है, क्यों चावल नहीं खाना है, क्योंकि उसमें जल है, और अष्टमी से लेकर पूर्णिमा या अमावस्या तक जल तत्व बढ़ता है, तो हमको बढ़ाना नहीं है, बैलेंस करके रखना है, वरना आप बीमार पड़ेंगे। और अगर हम निर्जला ही रख लें तो सोचो कितना दिव्यता आई, कितना कितना श्रेष्ठ हो जाएगा वो।